हेलो दोस्तों, आज है क्या है आपका लेसन है, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला, हम आपको पढ़ा दिए हैं, वीडियो आपको हम बना करके दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस फार्मूला हो चुका है। आज इसके बाद ये हम लोग करवा दिए हैं, दूसरा इसका टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आज हम ये लेकर के आए हैं आपके बीच में, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट होता है, दो कोई बिंदु होता है, इसको मिलाने से कोई रेखा खंड बनता है, इसको मिलाने से इस प्रकार से कोई रेखा खंड बनता है। तो इसको कोई बिंदु अगर यहाँ पे हम लोग विभाजित करें, कोई भी रेखा खंड हो, सपोज दैट ये ए बी रेखा खंड है, पी बिंदु इसको विभाजित कर रहा है, तो क्या कंडीशन बनता है? या तो इसको अंतर विभाजित करेगा, या फिर बाह्य विभाजित करेगा, या बीच में विभाजित करेगा तो बीचे बीच होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर इधर बराबर हो सकता है, बराबर नहीं होगा तो कुछ रेशियो होगा, मान लिया कि एम इज टू एन होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, वाई टू है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ये अंदर करता है तब भी, अगर बराबर पे करता है तो भी, या बाहर डिवाइड करता है इस प्रकार से, एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो भी, अगर पॉइंट निकालना है तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे सीखेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर पे, मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में लगातार क्लास दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूंगा। और हम बीच बीच में केमिस्ट्री फिजिक्स का भी जो टॉपिक बच्चे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो बनाइए, ठीक है। कोई कमेंट्स करता है फिजिक्स पे वीडियो बनाइए, तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ पाता है, पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको वीडियो बना करके देंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे भी जुड़े रहें चैनल के साथ। चलिए यहाँ पे हम लोग सपोज कर लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। यहाँ पर है आपका एक्स वन एक्स टू वाई टू, जो भी है, इसको कोई बिंदु पी है जो डिवाइड करता है, रेशियो दिया हुआ है वन इज टू एन। रेशियो भी नहीं मालूम रहेगा तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों मालूम रहेगा तीन तब ये निकाल सकते हैं, या फिर ये तो फिर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई तीन मालूम रहेगा तो कोई ये भी निकाल सकता है, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो फिर ये निकाल सकता है, सारा कुछ हम आपको बताते हैं कैसे होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे इसके लिए अगर कहते हैं तो आपका कि इंटरनल है, अंदर है जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल है, इंटरनल है साथियों। तो आपको फॉर्मूला लगाना है पी के लिए, सपोज दैट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो फॉर्मूला लगाना है, ये पीछे है तो आगे गुना होगा, एम एक्स टू ये आगे है तो पीछे गुना होगा, एन एक्स वन बटा एम प्लस एन आगे हो जाएगा, एम वाई टू एन वाई वन एम प्लस एन। मैंने कहा था ना, पीछे भी कहता हूँ आज भी कह रहा हूँ, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला रटे हुए हैं, रटना कुछ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एम इज टू एन रेशियो है, एम पीछे है आगे से गुना कीजिए, और ये आगे है इसको पीछे गुना कीजिए, उल्टा बस याद रखिएगा, प्रोसेस आपको याद रहेगा, ठीक है। जब आप वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा है डिवाइड ही करेगा, एक्सटर्नल करेगा मतलब बाहर करेगा, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? एम वाई टू एन वाई वन एम माइनस एन, एक्स अगर लिए हैं ऊपर तो यहां पर भी एक्स ही ले लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, एम वाई टू एन वाई वन एम माइनस एन, यही फॉर्मूला आपको आना है। एक तीसरा फॉर्मूला है, अगर इक्वल डिवाइड करें, दोनों साइड इक्वल हो,
ये डिवाइड जो कर रहा है ये बी से बी से इक्वल है, रेशियो दोनों तरफ का वन वन है एम और एन, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:1। तो वन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आपका एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं, और वन वन ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इक्वल के लिए फॉर्मूला बनेगा साथियों एक्स वाई के लिए एम एक्स टू, एम तो कुछ बचे ही नहीं, गुना करना ही नहीं है, एक्स वन अब इजिली वे मैं इसे 2 लिख दे के बाद बाई 2 प्लस बाई 1 बटा 2। किन्हीं किन्हीं को लग रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, दूसरे क्लासेस में। आज हम आपको लेके आ रहे हैं रनवे पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन पहले बनाया था आपका डिस्टेंस फार्मूला, आज सेक्शन फार्मूला बता रहे हैं। फिर मैं आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बताऊंगा, जो कि आपको 3 चीज जब कवर हो जाता है तो आपका पूरा मैं सिलेबस मानता हूँ कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में हैं उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। यही आपको मुख्य रूप से 3 चीज पूछा जाता है। अब इसे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये भी पूछ सकता है कि आप प्रूव करें कि ट्रायंगल है, आप प्रूव करें क्वाड्रिलेटरल है, आप प्रूव करें इक्विलेटरल है, आप प्रूव करें कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, दिस दैट जो भी है वो आपको अलग से मैटर है, लेकिन क्वेश्चन इसी पे आना है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो मैं ट्यूशन लेके चल रहा हूँ, आपको ट्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि बिना ट्यूशन का तो कोई फायदा है नहीं थियोरी जानने से। नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बुक में भी मिल जाएगा आपको। तरीके पे आइए, ट्यूशन करवाते हैं, ट्यूशन करते हैं, हमारे पास ट्यूशन है, ट्यूशन है साथियों। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट याद करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। ज्वाइनिंग पॉइंट है आपका ए और बी, सपोज कि एक ज्वाइनिंग पॉइंट जो है 4:-3। क्वेश्चन को पढ़ करके ऐसे लिखना है ना, और उसका रेशियो जो है वो 3:2, उसका जो रेशियो है वो 3:1 है। ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने सॉल्यूशन बैठा दिया क्वेश्चन को, हम लेट कर लिए, लेट है पी इज कोऑर्डिनेट, जिसका एक्स वाई आपका ये है, ठीक है, पॉइंट है। तो यहाँ पे यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, इसका नाम ही है सेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला जो अभी हम आपको बताए थे, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्या था, आगे पीछे वाला को आगे गुना कीजिए और आगे वाला को पीछे गुना कीजिए कीजिए। तो पी एक्स वाई 3:8 और 1:4, देखिए एक्स वाला में एक्स का गुना होगा, ये पहले जो होता है वो एक्स का मान है, जब एक्स का चला तो एक्स का चलेगा 3+4। अब नेक्स्ट वाई वाला में आएंगे तो वाई वाला में गुना होगा 3:5, माइनस है यहाँ इसीलिए माइनस लिख दिए, प्लस लिख देंगे 1:-3, आना वही है, लास्ट में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 15-13/4, ठीक है साथियों, 28/4, 12/4, आंसर आ जाएगा 7:3। दिस इज द कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट निकाला था पी का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 7:3। इस रिक्वायर्ड पॉइंट, जो रिक्वायर्ड पॉइंट निकाला था वो पॉइंट हमारा निकल करके आ गया। चलिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है, बहुत क्वेश्चन सब जगह आता है कि कोई बिंदु है, कोई दो पॉइंट है, ठीक है, कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, इसको ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और 3 भागों में बांट रहा है, जिसको हिंदी में समत्रिभाजित कहते हैं और इंग्लिश में ट्रिपल कहते हैं, है ना, 3 बार में विभाजित कर रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे,
ये आपको निकालना रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल पूछा जाता है दोस्तों, प्रत्येक साल ये आता है। डिवाइड तो कर रहा है लेकिन आपको तीन भागों में कर रहा है। कैसे करेंगे इसको, मान लेंगे अगर सम मतलब होता है बराबर, थ्री मतलब तीन बराबर, तो मान लो कि आप मान लें, ऐसे ही मान सकते हैं कि मान लिया के 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 है, ठीक है, या वन वन भी हम मान लेते हैं। तो जब इस पॉइंट पे चलेंगे, यहां मान लिया एक्स टू है, यहां सॉरी यहां एक्स वन है, यहां वाई वन है, यहां एक्स टू है, यहां वाई टू है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लीजिएगा, तो अभी तो इधर दो भाग है, इधर एक भाग है, तो इसका आ जाएगा वन इंटू टू, पी मान लें इसको। अगर अब इस भाग का तो यहां से पी निकाल लेंगे, एक्स कॉमा वाई, वही फॉर्मूला, यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, और यहां क्यू है, जब यहां आ जाएंगे तो इधर एक भाग है, इधर दो भाग हो जाएगा, तो टू इंटू वन, इसका भी निकल जाएगा। तो सम त्रिभाजित करेगा तो आपको इसी प्रकार से बनाना है और इसी प्रकार से निकालना है दोस्तों। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ ही जाता है एग्जाम में, और तो हम आपको बता चुके हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं टाइप्स बता रहा हूं आपको, एक टाइप्स होता है, सपोज दैट पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, सब में ए बी ले रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये आपका वाई टू है, यहां पर कोई पी पॉइंट है, इसका के इज टू वन है, तो बड़ा आसान है, के को आगे गुना कीजिए, वन को पीछे गुना कीजिए, तो के एक्स टू प्लस एक्स वन बटा के प्लस वन हो जाएगा इसका, और के वाई टू प्लस वाई वन बटा के प्लस वन हो जाएगा आपका। पी का कोऑर्डिनेट यही होगा साथियों, पी का कोऑर्डिनेट यही होगा, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का है क्वेश्चन है, आपको उसी पे फिर चल रहे हैं। कहता है फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाय माइनस वन कॉमा छ। चलिए इसको ही बनाना है, कैसे बनाएंगे, आपका दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इसको एंड इसको डिवाइडेड बाय ए। सपोज कर लीजिए, बहुत इजी है, कोई भारी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। दिस इज अ पॉइंट ए माइनस थ्री कॉमा टेन एंड दिस इज अ पॉइंट बी माइनस सिक्स कॉमा ए एंड पॉइंट पी इज डिवाइड माइनस सिक्स कॉमा ए और रेशियो इज एम इज टू एन। ये हम इतना लेट कर लिए और सोल्यूशन लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, एक बार में आंसर आएगा, कोई झोलझमोट नहीं। इसका गुना यहां होगा साथियों, एम सिक्स प्लस, ठीक है, एम सिक्स प्लस एन का गुना कीजिए माइनस थ्री में, एन गुने माइनस थ्री और एम अपॉन एन, इसका गुना यहां आप बाई में चलिए, माइनस एट एम प्लस टेन एन
एम प्लस एन। ये कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, माइनस छ कॉमा छ। ये वाला मान इसका है आपका, और ये जो मान है आपका वो इसका है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आएगा क्या, माइनस वाली तो छ एम माइनस थ्री एन एम प्लस एन, और इधर आ जाएगा आपका सिक्स बराबर माइनस एम टेन और एम प्लस एन। इसको आप इधर गुणा कीजिएगा तो माइनस एम प्लस टेन एन सिक्स एम प्लस सिक्स एन, एक साइड कीजिएगा तो माइनस चौदह प्लस चार एन बराबर जीरो, ठीक है। और यहां से भी अगर आप बनाइएगा, कोई एक को ले लीजिएगा तो माइनस एम माइनस एन सिक्स एम माइनस थ्री एन, तुरंत अभी निकाल दे रहे हैं आपको, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यही से बना दे रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन हो जाएगा तो माइनस सेवन एन प्लस टू बराबर जीरो, ये उधर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस सात एम बराबर माइनस टू एन। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस सात एम बराबर माइनस टू एन, माइनस से माइनस कट गया, एम बटा एन तो टू बटा सात, रेशियो आ गया टू इंटू सेवन, आंसर होगा टू इंटू सेवन। वहां से भी टू इंटू सेवन आएगा, है ना, ये माइनस से माइनस कट गया, एम अपॉन एन तो टू अपॉन सेवन तो टू इंटू सेवन, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख दिए हैं। यहां से भी वही आएगा, इधर आएगा माइनस सेवन, उधर जाएगा माइनस टू, टू से टू कट गया आ गया, कितना इजी है। अब इसको आप सॉल्व सॉल्व करने के चक्कर में मत रहिएगा, देखिए बच्चे गड़बड़ाते कहाँ हैं, सोचते हैं कि एक यहाँ आ गया लीनियर इक्वेशन, एक यहाँ आ गया, तब दोनों का तो मान सेम है तो आपका तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, अनेक सॉल्यूशन होगा, तो आपको यहाँ से केवल रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दिए। आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।